ये रजिस्टर मेमोरी का आपस में क्या ताल्लुक है उसको देख लेते हैं। मेमोरी जो है रैम लिमिटेड होती है जाहिर है, लेकिन उसके जो है वो नंबर ऑफ सेल्स लार्ज होते हैं, और रजिस्टर्स जो है वो रैम के मुकाबले में छोटे होते हैं, कम भी होते हैं, और जाहिर है माइक्रो प्रोसेसर खरीदोगे तभी रजिस्टर आएंगे। आप रजिस्टर को बढ़ा नहीं सकते क्योंकि ये प्रोसेसर के अंदर है, ठीक है, इसको आप बढ़ा नहीं सकते, घटा नहीं सकते। जितने आप सीपीयू लिया है आपने, जो सीपीयू में मौजूद है वही है, इसलिए इसकी कीमत वही है जो सीपीयू की कीमत है, ठीक है। तो प्रोसेसर तो बहुत महंगा होता है, तो इस वजह से रजिस्टर्स जो है ना वो भी जाहिर है उसी हिसाब से महंगे ही हैं। तो रजिस्टर्स आर मोर देन वन इन नंबर, एक से ज्यादा होते हैं, ठीक है। उनको उनका नाम रखा जाता है, जैसे जो इंटेल वाले ना उसका नाम रखते हैं AX, BX, CX, DA, ABCD उनका नाम रखा हुआ है। लेकिन जैसे मोटोरोला के प्रोसेसर है, मोटोरोला के प्रोसेसर जो है ना वो रजिस्टर का नाम ऐसे देते हैं R0, R1, R2, इस तरीके से। तो मोटोरोला के प्रोसेसर का जो है अलग अलग नोमेनक्लेचर है। नोमेनक्लेचर का मतलब क्या है? नाम रखने का तरीका, ठीक है। नोमेनक्लेचर कहते हैं नाम रखने के तरीकेकार को। तो मोटोरोला का प्रोसेसर जो है उसका तरीकेकार अलग है रजिस्टर को पुकारने का, उसके नाम नेमिंग सिस्टम नोमेनक्लेचर अलग है, वो R0, R1, R2 कहता है। जबकि जो प्रोसेसर इंटेल के हैं वो कहते हैं AX, BX, CX, D, ABCD से जो है ना उसको चलाते हैं। तो अगर आप उन्हें कोडिंग, इसलिए मैं बता रहा हूँ असेंबली लैंग्वेज की कोडिंग हर प्रोसेसर की डिफरेंट है, मतलब सिंटैक्स तो तकरीबन वही रहता है लेकिन कोडिंग इसकी डिफरेंट है कि हर एक, अगर आप मोटोरोला का प्रोसेसर लिखोगे ना, तो मोटोरोला के प्रोसेसर में आप EX यूज नहीं करोगे, आप लिखोगे एड R0, R0 करोगे, R0 प्लस R1, R1 और R0 को एड करो, क्योंकि प्रोसेसर मोटोरोला का है तो वो EX नहीं कहता रजिस्टर को, वो R0 R1 कहता है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई कि हर प्रोसेसर, हम चूंकि इंटेल के प्रोसेसर पढ़ रहे हैं, इंटेल के प्रोसेसर यही फॉलो करते हैं, ABCD का जो नोमेनक्लेचर है ना ये चलता है। तो यहां तक रखते हैं क्लास को, फिर एक्युमुलेटर रजिस्टर से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आपका क्विज भी है, क्विज क्लास के अंदर ही होगा, ठीक है। और मैं क्विज जो लूंगा वो ऐसे लेता हूँ कि मैं ब्रेक के टाइमिंग के मिला के क्विज ले लेता हूँ, ठीक है। यानी कि आपका जो है वो कोशिश करूंगा क्विज आपका ऐसा हो जाए 10 बजे तक क्विज हो जाए, क्विज दे दूंगा 10 बजे तक। 10:30 बजे हम रिज्यूम करेंगे क्लास, आधा घंटा होगा, आधे घंटे में 15 मिनट का ब्रेक भी हो जाएगा, 15 मिनट आपके क्विज के हो जाएंगे, इस तरह से कुछ करके। अगर कुछ चीज चेंजेस होंगी बता दूंगा, लेकिन आपको जो है ना मतलब तैयारी रखनी है नेक्स्ट क्लास में। इंशाल्लाह आपका पहला क्विज होने जा रहा है 2 मार्क्स का, इसकी तैयारी रखना, ठीक है। तो यहाँ तक एंड करते हैं। आप लोगों का गूगल डॉक्यूमेंट होगा या पेपर पर होगा? पेपर पर नहीं होगा, मैं इंशाल्लाह इसका वो बनाऊंगा, क्या नाम है, गूगल फॉर्म बनाऊंगा और उसके ऊपर आपने अटेम्प्ट करना है गूगल फॉर्म पर, ठीक है। सारी कन्वर्जेंस पढ़ लेना आज की क्लास में, जहां तक हमने पढ़ा है, हमने इस स्लाइड तक पढ़ा है आज की क्लास, इस स्लाइड तक आप पढ़ लेना शुरू से लेके इस स्लाइड तक, ठीक है, सारा पढ़ लेना, उसी में से क्विज होगा इंशाल्लाह, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, उसी में से क्विज होगा और वो अटेम्प्ट कर लेना। MCQ बेस्ड होगा क्विज, हाँ कोशिश ही होगी MCQ बेस्ड हो, थ्योरी नहीं होगी MCQs में, सारे न्यूमेरिकल भी पूछ सकता हूँ मैं आपसे, ठीक है। तो वो आप जो है वो बस ये कि आपको आना चाहिए चीजें।
वो तैयारी रखिएगा, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी अगले वीक। ओके, अल्लाह हाफिज। रिकॉर्डिंग्स में सारी चीजें अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह, आज ही कर दूंगा, तो आपके पास सारी चीजें अवेलेबल होंगी, रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी। लेक्चर्स तो मेरे वही हैं जो पिछली क्लास में थे ना, वही स्लाइड चल रही है, तो वही यूज कीजिएगा स्लाइड्स, बाकी रिकॉर्डिंग आज अपलोड कर। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज।